नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव के रास्ते साफ हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सभी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं मंत्री एके शर्मा ने अंतिम अधिसूचना को जारी कर दिया है। वहीं सभी वर्गों को पूर्ण आरक्षण दिया गया है, तो सभी सीटों और पदों पर 27% का आरक्षण है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव के रास्ते साफ हो चुके हैं। सभी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। मंत्री एके शर्मा ने अंतिम सूचना को अधिसूचना को जारी कर दिया है। वहीं सभी वर्गों को दिया गया है पूर्ण आरक्षण। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का प्लान तैयार है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी। 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती तक तमाम आयोजन होते हुए नजर आएंगे। बूथ स्तर पर सभी आयोजन होते हुए नजर आएंगे। वहीं जिला स्तर और मंडल स्तर पर बैठकें भी होती हुई दिखाई देंगी। तो भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है निकाय के लिए, चुनावी बिसात बिछवा दी है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ लड़ेंगे। वहीं सुभाषपा अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव। तो तब तमाम माफी चाहेंगे, तमाम पार्टियां जोरों शोरों से तेज कर दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के रास्ते साफ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। वहीं भाजपा ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। सभी वर्गों को इसमें आरक्षण भी दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तमाम बैठकें इस वक्त चल रही हैं। रणनीति को तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से चुनावी बिसात बिछानी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव के रास्ते को साफ कर दिया है। उसके बाद तमाम पार्टियां जो हैं वो रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। मंडल स्तर पर बैठक भी होगी। वहीं सपा, बसपा और भाजपा, तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप और तौकीर किदवई। तो तौकीर, तमाम पार्टियां निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों को जोर देने में, धार देने में लगी हुई हैं, भाजपा की और सपा की। आपको क्या लगता है पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार वो संगठन विस्तार कर अभी हुआ है कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद प्रभारी नियुक्त किए गए हैं भाजपा की तरफ से। यही जो प्रोसीजर है लगभग समाजवादी पार्टी में भी नजर आता है। यहाँ पर भी लगातार कोशिशें हो रही हैं कि बूथ स्तर को मजबूत किया जाए। कई सांसदों, पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिले का प्रभारी बनाया गया है, और बूथ को मजबूत करने की जो कवायद है अखिलेश यादव की, वो कोशिशें लगातार जारी है। और साफ तौर पर संदेश भी है कि लोग जो निकाय चुनाव है वो लोकसभा 2024 का रिहर्सल माना जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। और दूसरी बात ये है कि ये स्थानीय चुनाव होता है, जाहिर तौर पर कि जो भी मजबूत होगा वो छोटे स्तर पर, यानी कि जो जमीन है उसको मजबूत करेगा, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, जमीनी स्तर पर नेता काम करते हैं, इनको दूर से दूर की जानकारी होती है। तो ऐसे में आपका पार्षद अगर आपके साथ है, आपकी पार्टी का है, तो जाहिर तौर पर आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट बहुत बेहतर आते हैं। ऐसे में सभी पार्टियां ये चाह रही है कि जो स्थानीय चुनाव है उसको मजबूती से लड़ा जाए और एक बड़ी जीत दर्ज की जाए। समाजवादी पार्टी के कई लगातार कार्यक्रम भी नजर आते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर संगठन मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे फ्रंटल संगठन जो विंग थी उनको भी बनाया गया है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे संसद सभा हो, चाहे व्यापार सभा हो, सबके प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कि लंबे समय से कुर्सियां खाली थी, उन पदों को भरा जा रहा है। जो विंग के जो फ्रंटल की जो विंग्स है वो अलग तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो निकाय चुनाव के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके साथ जो टीम का गठन हो रहा है, वो सभी टीमें मिलकर जिलों में निकाय चुनाव की जिम्मेदारी करवा लेंगे और वहां पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बड़े बड़े नेता प्रचार करते भी नजर आएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अनूप का भी। तो अनूप, भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है निकाय चुनाव के मद्देनजर, तमाम तैयारियां शुरू कर दी है, रणनीति भी तैयार होना शुरू हो चुकी है।
देखिए मनीषा, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि लगातार आपने देखा किस तरीके से बूथ स्तर पर, माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। हालांकि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद अब हरी झंडी मिली है। उसके बाद आप देखिए कि जो 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जो संगठन एक विस्तृत रूप से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी 6 तारीख से लगा करके या फिर 14 तारीख तक जो भीमराव अंबेडकर की जयंती है उसमें लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पूरा सप्ताह सामाजिक न्याय सामाजिक के हिसाब से मना रहे हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम इस वक्त भाजपा कार्यालय में खड़े हैं, तमाम जो लोग कार्यकर्ता या फिर वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो टिकट को लेकर के, क्योंकि इस वक्त संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यालय में मौजूद हैं, तमाम लोग उनसे मिलने की भी पहुंच रहे हैं और टिकट को एक लेकर दावेदारी भी ठोक रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से समाज भारतीय जनता पार्टी एक जब सरकार नहीं रहती थी तब भी कहीं ना कहीं मेयर के चुनाव में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आती थी, एक बार फिर से उनकी सरकार है। एक बार अभी आपने देखा किस तरीके से कि OBC को लेकर कितनी बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है। आज अखिलेश यादव रायबरेली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी वर्गों को अपने पाले में आए, और हर पार्टी इस वक्त दावेदारी कर रही कि निकाय चुनाव में उसकी बड़ी जीत होगी। अब देखने वाली बात मनीषा ये होगी कि निकाय चुनाव में जनता किसके साथ में होती है, किसके सर पे ताज का सहरा बंधेगा इस बार भी, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन पार्टियों की पुरजोर तरीके से कोशिश है। अभी कल मायावती ने भी अपने जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक की थी, एक उसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो अंबेडकर जयंती की मामले की हो या फिर चुनाव की तैयारी को लेकर के हो। लेकिन एक बात जरूर देखने को मिला है सभी पार्टियों के कि जिस तरीके से भाजपा बूथ स्तर पर तैयारी करती है, अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बात करें वो भी बूथ स्तर पर तैयारी अपनी मजबूत कर रहे हैं, BSP की बात करें वो भी बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पार्टियां था उनका चुनाव की तैयारी का जो लेवल बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, तरीका बदल चुका है। अब कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को जमीन पर उतरना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को लोगों के घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को लेकर के अब जो नई दिशा एक तैयार होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आगामी चुनाव हैं उनमें, खासकर जो नगर निकाय चुनाव है वो 2024 का सेमीफाइनल की तरीके से देखा जा रहा है। इस चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा मुझे लगता है उसको 2024 में जरूर फायदा मिलेगा, और एक मैसेज भी जाएगा कि अभी भी उसका वर्चस्व जनता के बीच में है, लोकप्रिय पार्टी है। इन सब चीज़ों को लेकर के आपको कुछ तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, क्योंकि लगातार आने जाने वाले जो लोगों की संख्या बढ़ रही है, धर्मपाल इस समय वक्त पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं, सबसे मुलाकात भी कर रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता भी, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी अभी अंदर पहुंचे हुए हैं, तो ये एक चुनाव का माहौल है, पार्टियों में भीड़ लगना शुरू हो चुका है। जी ठीक है, दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मंत्री अरविंद शर्मा शिलान्यास करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा शिलान्यास करेंगे। 8 किलोमीटर RCC नाले के निर्माण का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो मंत्री अरविंद शर्मा शिलान्यास करेंगे RCC नाले के निर्माण का। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि फैजुल्लागंज क्षेत्र में जल निकासी के लिए नाला बनाया जाएगा। वहीं PM आवास के लाभार्थियों को वो चाबी भी वितरित करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ TN मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो TN, जिस तरह से 8 किलोमीटर RCC नाले के निर्माण का आज शिलान्यास होने जा रहा है, ऊर्जा मंत्री इसका शिलान्यास करेंगे, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? ये नगर विकास मंत्री आज 12:30 बजे जो है फजुल्लागंज के नाले का जो है 9.2 किलोमीटर है नाला लंबाई, तो इसका जो है करें शिलान्यास करेंगे। और इससे क्या है, इसका टारगेट 9 महीने रखा गया और 44 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे अभी क्या, लाखों लोगों को जल भराव के चक्कर में जूझना पड़ रहा है, और अब इस नाले का क्या है, गोमती नदी से लेकर के पूरे इलाके के नाले को जोड़ा जाएगा, जिससे जो बारिश का पानी है जल भराव की समस्या दूर होगी और लाखों लोगों को इससे राहत मिल सकेगी। नगर विकास मंत्री
AK शर्मा ने लगातार जो है शुरुआत से ही कहा था पिछले साल भी जब सरकार बनने के बाद भी कि ये समस्या दूर की जाएगी, तो आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है और आज इसका जो है शिलान्यास करेंगे। इससे लाखों लोगों को उम्मीद बढ़ी है और उनको जो है बारिश में बहुत राहत मिलेगी, जो जल भराव से हफ्तों परेशान होते थे लोग। जी मनीषा, बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का आज शिलान्यास किया जाएगा ऊर्जा मंत्री द्वारा। वहीं पीएम आवास के लाभार्थियों को चाबी भी वितरित की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी को आपको बता दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताना चाहेंगे कि रायबरेली में इस वक्त अखिलेश यादव का दौरा है, वही काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के विद्यालय में होगा मूर्ति का अनावरण, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दलितों को रिझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सपा की तरफ से। दीनशाह गौरा ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विद्यालय में अनावरण किया जाएगा मूर्ति का, और दलित वोट को रिझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सपा की तरफ से। ऊंचाहार विधानसभा के दीनशाह गौरा ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा है, जहां पहुंचकर वो काशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बसपा ने भी अखिलेश यादव और सपा पर तंज कसा है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दलित वर्ग को साधने की सपा लगातार कोशिश कर रही है, वहीं अखिलेश का मिशन काशीराम। तो अखिलेश यादव का आज रायबरेली दौरा है, जिसके मद्देनजर तमाम प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं। वहीं काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव, साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा है और तमाम तैयारियां सपा की तरफ से दलित वर्ग को साधने के लिए की गई हैं। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा, ऊंचाहार विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काशीराम की प्रतिमा का यहाँ पहुंचकर वो अनावरण करेंगे। एसपी दलित पिछड़ों को साथ मिलाने की कवायद में जुटी हुई है सपा। निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, सपा पार्टी पूरी तरह से तैयार है। स्वामी मौर्य इंद्रजीत सरोज को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, फ्रंटल संगठन के तौर पर बाबा साहब को मान्यता। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रायबरेली दौरा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आफताब। तो आफताब, जिस तरह से रायबरेली पहुंच रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ऐसे में बसपा ने भी उन पर तंज कसा है और लगातार एक गहमा गहमी राजनीति में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अखिलेश यादव यहाँ पर अभी 12:30 बजे तक आ जाएंगे और जनसभा है वो बैकडोर की यही जनसभा कही जा रही है। तो इस मामले पर लेकर अगर बीएसपी का ट्वीट आता है तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती नजर आ रही है कि जो बैकवर्ड को ये घेरने का काम कर रहे हैं और अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, यही एक बड़ी वजह है जो ये इतना बड़ा जनसभा, इतनी बड़ी जनसभा हो रही है। लेकिन एक बड़ी चीज देखने को मिली इसमें कि यहीं पर मनोज पांडे के जो ये जो पहला कार्यक्रम है जगतपुर में, ये मनोज पांडे के द्वारा आयोजित किया गया हुआ कार्यक्रम है, लेकिन यहीं पर दूसरा कार्यक्रम जो कराया जा रहा है जिसमें काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके ठीक बाद और मनोज स्वयं प्रसाद मौर्य के पिताजी के की भी तस्वीर का अनावरण होगा। और स्वयं प्रसाद मौर्य ने जो भी कार्यक्रम कराया है होल्डिंग में, वहां के स्थानीय विधायक मनोज पांडे का ना तो जिक्र है और ना ही कोई तस्वीर है। तो ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है और चर्चा का विषय भी क्षेत्र में फैला हुआ है कि कहीं ना कहीं दोनों के नेताओं के बीच में एक बड़ी रार जरूर है, क्योंकि एक नेता बैकवर्ड के लिए काम कर रहा है और दूसरा एक प्रबुद्ध वर्ग के लिए ही काम कर रहा है। ये एक बड़ा विषय है जो इस वक्त क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है आफ्ताब, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही बता दें कि इटावा सैफई करहल के सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल के प्रांगण में 5वां वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित हुआ है और इस दौरान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर कार्यक्रम के आयोजकों ने जोरदार उनका स्वागत किया, तमाम तैयारियां की हुई थी और इस दौरान अखिलेश यादव ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने विद्यालय के मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया है और बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, सुदती ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर राम मोहन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जिस सरकार ने अभी अभी अपनी छठी मनाई हो और उसकी छठी मनाने पे बताओ किस दुर्दशा है उत्तर प्रदेश की। नगर निकाय चुनाव की घोषणा जो हुई है, चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश कूड़ा साफ होगा,
गंदगी साफ होगी। नगर पालिका और नगर और जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, वहाँ वहाँ डेंगू ज्यादा फैला। और आज भी चेक कर लो, जहाँ बीजेपी के चेयरमैन है, जहाँ बीजेपी के मेयर है, वहाँ मच्छर ज्यादा है। नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो है गंदगी है। और तब है जब सबसे पहले प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया हो, सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हों, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एक्टरों को स्वच्छ भारत से जोड़ करके उन्हें क्या बना दिया था, एम्बेसडर सफाई का, और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, तो बताओ कितनी गंदगी है आज, कूड़ा फेंकने की जगह नहीं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी, अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, वहीं अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, सीएम धामी से मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात संभव है और कई परियोजनाओं को लेकर भी बैठक आयोजित की जाएगी। तो सीएम धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव से भी मिलेंगे सीएम धामी। तो निर्मला सीतारमन से भी करेंगे मुलाकात सीएम धामी। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के लिए एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण स्थिति हो चुकी है। और बताना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एआईसीसी की संस्तुति पर 26 जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची को जारी किया है। इसके बाद घमासान की नौबत बन गई है और रुड़की और रुद्रपुर में तो स्थिति विस्फोटक होती हुई दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस में उपज रहे इस असंतोष को कम करने के लिए प्रदेश संगठन के बड़े नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह मौन है और उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। रुड़की में नए महानगर अध्यक्ष और रुद्रपुर में भी महानगर अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सीपी शर्मा को सौंपे जाने का विरोध हो रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश राणा। तो योगेश राणा, एक लगातार विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है, घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस को देखेंगे तो वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस को लेकर चिंता बनती हुई साफ साफ दिखती है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर दिखती है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर तो और भी ज्यादा चिंता की स्थिति कही जा सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तराखंड में अगर देखें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई तीसरा दल आता नहीं है, और जब तीसरा दल नहीं आता है तो यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और इन स्थितियों में भी अगर एक साल से संगठन के का गठन प्रदेश का हुआ नहीं था और उत्तराखंड कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है और महानगर अध्यक्ष है, तकरीबन एक साल बाद उनकी घोषणा होती है और उसके बाद तमाम जगह से विरोध आता है, और दो जगह से विरोध तो बहुत इतनी तेजी से आता है, तीव्र गति से आता है कि वो संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप रुड़की महानगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वहां पर, और अगर आप रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वहां से, और ये दोनों ही मैदानी जिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अभी पहले 26 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और अभी महिला विंग का जो गठन किया गया है, पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, इसमें अगर देखें तो तीन चार जो बड़े नेता है उत्तराखंड में, करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष है, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रीतम सिंह और हरीश रावत, तो सोशल मीडिया आज के जमाने में, आज के समय पर जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर हरीश रावत देखे और प्रीतम सिंह देखे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाई देने का या फिर नए संगठन का उत्साह बढ़ाने का जो गठित किया गया है ये दिखा नहीं है। और अभी जो विरोध हो रहे हैं, इस विरोध को थामने के लिए भी हरीश रावत या फिर प्रीतम सिंह बहुत ज्यादा उस तरीके से दिख नहीं रहे हैं। और दूसरा, बिल्कुल साफ साफ बात करें जी योगेश, समझ रहे हैं, तो जिस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है, करण महारा के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है, वहीं इसके बाद घमासान की नौबत भी आ चुकी है रुड़की और रुद्रपुर में, तो स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक होती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस में उपज रहे इस असंतोष को कम करने के लिए प्रदेश संगठन के बड़े नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह मौन हैं और उनकी तरफ से कोई बयान भी अभी तक नहीं आया है। योगेश राणा का फिर से रुक कर लेते हैं, तो योगेश आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं जो पहले बात कह रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक बड़ा मैदान है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, लेकिन पहली तो बात, अगर एक साल बाद
गठन किया जाता है प्रदेश के संगठन का, और उसके बाद ऐसी स्थिति आती है तो ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है। और दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव के बाद यहाँ पर तमाम आरोप लगे थे, हरीश रावत पर भी सीधे टिकट के बंटवारे में गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगे थे, और भी बहुत सारे आरोप आपस में एक दूसरे नेता ने लगाए थे। और जो प्रदेश अनुशासन कमेटी है उत्तराखंड कांग्रेस की, उसने उस तरह से उस वक्त भी कोई उस तरह का एक्शन लिया नहीं था। ये उस समय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने और जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव ने, उन्होंने भी कहा था कि जो अनुशासनहीन नेता है या फिर जो संगठन के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पिछले एक साल से देखे तो कोई इस तरह की एक भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई नहीं है। और उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश भी है, अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव में तो यहाँ पर एक वोट कांग्रेस का गया था, हालांकि करण मेहरा ने कहा था इसकी भी जांच कराई जाएगी, इसकी इस पर भी कोई सामने आया नहीं है कि वो वोट किसने किया था, कांग्रेस में कौन वो आदमी है जिसने वोट किया था। और इसके बाद भी बीच बीच में तमाम चीजें आती रहती है। अगर मौजूदा स्थिति में ही देखेंगे तो संसदीय जो सीटें हैं यहाँ पर 5 सीटें हैं, उसको लेकर कांग्रेस में तमाम घमासान अभी से मचते हुए दिख रहे हैं, जबकि अभी तो चुनाव बहुत दूर है। तो अगर ओवरऑल एक अवलोकन किया जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक स्थिति फील्ड में है, और फील्ड के साथ साथ संगठन में भी है। और एक बात वो बहुत ध्यान में देने की है, इससे पता लगता है कि कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में किस तरह की होती जा रही है। कर्ण मेहरा तकरीबन कई बार कह चुके हैं कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो संगठन के भीतर है। ठीक है योगेश, बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टेट हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी को, तमाम बातचीत हमसे की, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।